दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ज्योति मेकिंग में। मैं ज्योति आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन। ये मैं दो कलर का स्वेटर का डिजाइन आपको मैं बताने वाली हूँ। ये मैं दो कलर का स्वेटर का डिजाइन बताने वाली हूँ। ये मैं थोड़ा सा दो सिलाई में बीन ली हूँ उल्टा सीधा, और ये सीधा साइड हुआ, और ये सीधा साइड हुआ, और ये उल्टा साइड हुआ। अब मैं इसमें आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी। ये मैं दूसरे कलर का धागा इसमें जोड़ देती हूँ। अब मैं आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी। ये मैं फर्स्ट फंदे को ऐसे ही निकाल ली हूँ, और सेकेंड फंदा को क्या करना है, उल्टा बना लेना है ये दूसरे कलर के धागे से। ये मैं सेकेंड फंदे को उल्टा बना ली हूँ, फिर इस फंदे को ऐसे ही निकाल लेती हूँ, और तीसरे फंदे को मैं उल्टा बना लेती हूँ, फिर एक फंदे ऐसे ही निकाल लेती हूँ, फिर मैं इस फंदे को उल्टा बना लेती हूँ, फिर मैं एक फंदे ऐसे ही निकाल लेती हूँ, और फिर मैं इस फंदे को उल्टा बना लेती हूँ। एक फंदे निकालते जाना है, और एक फंदे को ये दूसरे कलर के धागा से ऐसे ही बनाते जाना है, फिर इस फंदे को ऐसे ही निकालना है, और इस फंदे को उल्टा बना लेना है, फिर इस फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, और इस फंदे को उल्टा बना लेना है, फिर एक फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे, और इस फंदे में उल्टा बना लेते हैं, फिर इस फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, फिर इस फंदा में एक उल्टा बना लेना है, फिर एक ऐसे ही निकाल लेना है, और एक उल्टा बना लेना है। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। ये मैं फर्स्ट सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं सेकेंड सिलाई में आ चुकी हूँ। सेकेंड सिलाई में क्या करना है, जिस फंदे को मैं ऐसे ही निकालते आई हूँ, इसको ऐसे ही निकाल लेना है, और धागा को आगे कर लेना है, और जो फंदा मैं उल्टी साइड से उल्टा बनाई थी, उसे सीधा साइड से भी उल्टा ही बनाना है। ये सीधा साइड से भी उल्टा ही बना ली हूँ। धागा को पीछे कर लेती हूँ, फिर ये फंदा मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ, फिर धागा आगे कर लेती हूँ, और ये फंदा को मैं उल्टा बना लेती हूँ, फिर धागा पीछे, फिर ये फंदा को ऐसे ही निकाल लेना है, और इस फंदे को उल्टा बना लेना है। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये फंदा धागा मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ, और धागा आगे करके ये फंदा मैं उल्टा बना लेती हूँ। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं फिर से उल्टा साइड से आ चुकी हूँ। देखिए, उल्टा साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर मैं उल्टा साइड से आ चुकी हूँ। उल्टा साइड से क्या करना है, इस कलर के धागे को, ये जो धागा है जिसको मैं फंदा उतारती आई हूँ, वो धागा से पूरे फंदे को उल्टा बना लेना है। ये मैं पूरे फंदे को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। इस फंदे को भी उल्टा ही बनाना है। सारे फंदे को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं उल्टी साइड से पूरे फंदे उल्टा बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं सीधी साइड से क्या करूँगी, पूरे फंदे को फिर से उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से भी इसी कलर के धागे से उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह मैं पूरी फंदे को ऐसे ही उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं पूरे फंदे को उल्टा बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं फिर से उल्टी साइड में आ चुकी हूँ। उल्टी साइड में क्या करना है, ये देखिए, जिस फंदे में ये धागा दिखाई दे रहा है, उस फंदे को नहीं बनाना है। इस फंदे को मैं इस कलर के धागे से उल्टा बना लेती हूँ, फिर एक फंदा ऐसे ही निकाल लेती हूँ, फिर मैं एक फंदे को उल्टा बना लेती हूँ,
फिर ये फंदा ऐसे ही निकाल लेना है और इस फंदे को उल्टा बना लेना है। फिर ये फंदा ऐसे ही निकालना है और इसको उल्टा बनाना है। ये ऐसे ही निकालना है और इसको उल्टा बनाना है। फिर इसको ऐसे ही निकालना है, इसको उल्टा बनाना है। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर चुकी हूँ। फिर मैं सीधी साइड से आ चुकी हूँ। सीधी साइड से क्या करना है, ये फंदे जो मैं उल्टी साइड से उल्टा बनाई थी उसे भी सीधी साइड से उल्टा ही बनाना है। ये मैं सीधी साइड से आ चुकी हूँ, इसे भी उल्टा ही बनाना है। ये धागा को फिर मैं पीछे कर लेती हूँ। ये फंदे को मैं उतार लेती हूँ। फिर ये सेकेंड फंदे को मैं उल्टा बना लेती हूँ। फिर धागा पीछे, ये फंदे को ऐसे ही निकालना है। फिर धागा आगे, इस फंदे को उल्टा बना लेना है। फिर धागा पीछे, इस फंदे को ऐसे ही निकालना है। फिर बनाए हुए फंदे को उल्टा बना लेना है। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। ये मैं पूरे फंदे को कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं फिर से उल्टी साइड आ चुकी हूँ। उल्टी साइड से क्या करना है, ये हरे कलर के धागे से पूरे फंदे को उल्टा बना लेना है। ये मैं हरे कलर के धागे से पूरे फंदे को इस तरह से उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सारे फंदे को इसमें कुछ नहीं करना है, ये बस दो सिलाई का डिजाइन है। दो ही सिलाई में ये डिजाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। इसमें पूरे फंदे को बस उल्टा ही बना लेना है इस तरह से। फिर सीधी साइड से क्या करना है, सीधी साइड से भी उल्टा ही बना के कंप्लीट कर लेना है। ये मैं उल्टी साइड से पूरे फंदे को उल्टा बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं फिर सीधी साइड से आ चुकी हूँ। सीधी साइड से क्या करना है, फिर सारे फंदे को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। ये मैं पूरे फंदे को उल्टा बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं फिर से डिजाइन बनाना शुरू करती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ शुरू डिजाइन बनाना। ये देखिए, इस डिजाइन पहले डिजाइन में मैं फर्स्ट फंदा को ऐसे ही निकाल ली थी और सेकेंड फंदे में मैं डिजाइन बनाई थी। फिर ये दूसरे डिजाइन में मैं फर्स्ट फंदे में डिजाइन बनाई थी और सेकेंड फंदे को ऐसे ही निकाल ली थी। फिर थर्ड फंदे को डिजाइन बनाई थी। अब क्या करना है, तीसरी डिजाइन में फर्स्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और सेकंड फंदे में डिजाइन बनाना है। ये मैं फर्स्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेती हूँ और सेकंड फंदे को ये मैं ऑरेंज कलर के धागा से इसे उल्टा बना देती हूँ। इसे मैं उल्टा बनाती हूँ। फिर इस फंदे को मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ और इस फंदे को मैं उल्टा बना देती हूँ। फिर इस फंदे को ऐसे ही निकालना है, इसको उल्टा बनाना है। इस फंदे को ऐसे ही निकालना है और इस फंदे को उल्टा बनाना है। इसको ऐसे ही निकालना है और इस फंदे को उल्टा बनाना है। फिर इस फंदे को ऐसे ही निकालना है और इस फंदे को उल्टा बनाना है। इस फंदे को ऐसे ही निकालना है और इसको उल्टा बनाना है। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं फिर से सीधी साइड आ चुकी हूँ। सीधी साइड से फिर क्या करना है, फर्स्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और धागा को आगे करना है और ये जो फंदा मैं उल्टी साइड से उल्टा बनाई थी इसको उल्टा बना लेना है। फिर धागा को पीछे करना है, ये फंदा को ऐसे ही निकाल लेना है। फिर धागा को आगे उल्टा बना लेना है इस फंदे को। फिर धागा को पीछे करना है, ये फंदा ऐसे ही निकाल लेना है। धागा आगे करके उसे उल्टा बना लेना है। फिर मैं ये धागा निकाल ली हूँ और फिर इसको उल्टा बना लेती हूँ। फिर धागा को पीछे, ये फंदा ऐसे ही निकाल ली हूँ। फिर मैं इसे उल्टा बना ली हूँ। धागा को पीछे, इस फंदे को फिर ऐसे ही निकाल लेना है। फिर धागा को उल्टा बना लेना है इस फंदे को। फिर धागा पीछे, फिर इस फंदे को ऐसे ही निकालना है। फिर धागा को
आगे करके उल्टा बनाना है, फिर इसको ऐसे ही निकालना है और इस फंदे को उल्टा बना लेना है, धागा को पीछे फिर आगे करना है और उल्टा, इस तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। ये देखिए डिजाइन कितना सुंदर बन चुका है, बुट्टा डिजाइन है। ये देखिए आप इसे ब्लाउज में दे सकते हैं, बच्चे के स्वेटर में दे सकते हैं, किसी भी स्वेटर में दे सकते हैं। अब क्या करना है, ये हरे, ये धागा से, ये हरे कलर का धागा से दो सिलाई उल्टा बना लेना है। इसी उल्टा साइड से भी उल्टा बनाना है और सीधा साइड से भी उल्टा बनाना है। दोनों साइड से उल्टा बना के दो सिलाई उल्टा बना लेना है, फिर तीसरी सिलाई में डिजाइन बनाना है। इसी तरह पूरी डिजाइन आप बनाते जाइए। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बन के तैयार हो चुका है। आप इसी तरह से डिजाइन बनाते जाइए। आप इसे बच्चे के स्वेटर, कोई भी स्वेटर में आप डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।